हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम एलेग्री इन फेरी क्वीन पे वीडियो करेंगे। इसकी रिक्वेस्ट आई थी मुझे, तो चलिए देख लेते हैं इसको जल्दी से। तो फेरी क्वीन में अगर हम एलेग्री की बात करें तो सबसे पहले एलेग्री को समझना ज़रूरी है। एलेग्री पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, पर एक सिंपल भाषा में अगर कहें, साधारण सी भाषा में कहें समझने के लिए, तो ये आप समझ लो कि एक नॉर्मल सी स्टोरी जो कि किसी बहुत बड़े मीनिंग के साथ है। कहने का मतलब कि एक नॉर्मल सी कहानी, देखने में जो बहुत साधारण सी कहानी लग रही है, लेकिन वो अपने अंदर एक बहुत बड़े और बहुत गंभीर विषय पे बात कर रही हो, तो वो एलेग्री होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए कि जैसे कछुए और खरगोश की जो कहानी थी, वो देखने में तो एक साधारण सी कहानी थी, लेकिन उसके पीछे का अर्थ ये था कि अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो उसी तरीके से एलेग्री भी होती है। एलेग्री में हर एक कैरेक्टर, हर एक इवेंट, हर एक इंसिडेंट्स जो है एक बहुत बड़ी चीज़ों को अपने साथ समाहित किए हुए होता है। ये डबल मीनिंग होते हैं। सबसे पहले जो ऊपर का लिटरल मीनिंग होता है, वो जो देखने में साधारण सी कहानी लगती है, लेकिन उसके भीतर कई लेयर्स होते हैं और वो लेयर को आपको समझना ज़रूरी होता है, तभी आप एलेग्री को समझ पाओगे। इससे जो राइटिंग होती है वो थोड़ी खूबसूरत हो जाती है और भारी हो जाती है। लिखने वाले का जो मेंटल लेवल है आपको उसको पकड़ना पड़ता है अगर एलेग्री का वर्क है। तो अब अगर हम फेरी क्वीन की बात करें तो फेरी क्वीन एक एलेगोरिकल वर्क है स्पेंसर का, और इसका जो मॉरल है, मॉरल बिहाइंड द वर्क, कंपोजिशन के पीछे का जो मॉरल है, वो ये है कि किस तरीके से बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, और इस पूरे प्रक्रिया में सच्चाई को या अच्छाई को कितने परेशानियों से होके गुजरना पड़ता है, इसी को स्पेंसर ने अपने इस पर्टिकुलर वर्क में उन्होंने शो किया है। अब अगर हम इसकी पर्टिकुलर की बात करें एलेग्री की, तो इस फेरी क्वीन में जो एलेग्री यूज़ हुई है, वो लगभग माना जाता है कि तीन तरीके की एलेग्री यूज़ हुई है। इसमें मेरे से छूट गया है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैं आपको ऐसे बताती हूँ। तो पहला जो है वो मॉरल एंड स्पिरिचुअल एलेग्री है, जो नॉर्मल मॉरल एंड स्पिरिचुअल एलेग्री है। दूसरा, मॉरल और स्पिरिचुअल एलेग्री मिंगल विद रिलीजियस एलेग्री, ये दूसरा है, ठीक है। और जो तीसरा है वो है पॉलिटिकल एंड पर्सनल एलेग्री। तो शुरू करते हैं पहला वाला, मॉरल एंड स्पिरिचुअल एलेग्री। मॉरल एंड स्पिरिचुअल एलेग्री जो कि फेरी क्वीन में यूज़ हुई है, ये एलेग्री शो करती है इंटरैक्शन बिटवीन अच्छाई और बुराई, ठीक है। अच्छाई और बुराई के बीच का इंटरैक्शन ही ये पर्टिकुलर पूरी एलेग्री जो है वो शो करती है। अब इसमें जो कुछ गुड कैरेक्टर्स हैं वो अच्छाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बैड कैरेक्टर्स हैं वो बुराई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेड क्रॉस जो है वो होलीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेडी ऊना जो है वो ट्रूथ को रिप्रेजेंट कर रही है, गुडनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ऊना के जो पेरेंट्स हैं वो ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ड्रैगन जिसके कैद में ऊना के पेरेंट्स हैं, वो जो है ईविल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बुराई को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर्किमेगो का जो कैरेक्टर है वो हिपोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनका जो मिशन है आर्किमेगो का, वो ये है कि किस तरीके से रेड क्रॉस को ऊना से सेपरेट किया जाए, जो कि एलेगोरिकली है कि किस तरीके से होलीनेस को ट्रूथ के साथ को दोनों को एक दूसरे से अलग किया जाए। अब जो स्टोरी लाइन वो ये है कि मिशन है, रेड क्रॉस को एक मिशन दिया गया है कि वो लेडी ऊना के साथ जाकर लेडी ऊना के पेरेंट्स को बचाए एक ड्रैगन से, और उस ड्रैगन को ख़त्म करे। ये नॉर्मल सी स्टोरी है, लेकिन जो एलेगोरिकल है इसके पीछे, जो एलेग्री छुपी है, वो ये है कि अगर होलीनेस, मतलब होलीनेस अच्छाई के साथ मिलके बुराई को पराजित करे, उससे लड़े, और उसके बाद ह्यूमन जो रेस है, ह्यूमैनिटी जो है, उसकी रक्षा करे। तो ये जो है एलेगोरिकल मीनिंग है इस पूरी स्टोरी लाइन का, कि किस तरीके से होलीनेस और ट्रूथ मिलके ह्यूमैनिटी को सेव करते हैं और बुराई को पराजित करते हैं। अब दूसरी तरीके की जो एलेग्री यूज़ हुई है वो है मॉरल एंड स्पिरिचुअल एलेग्री, जो कि ब्लेंड होके आती है रिलीजियस एलेग्री के साथ। कहने का मतलब ये हुआ कि स्पिरिचुअल मॉरल एलेग्री विद रिलीजियस एलेग्री। तो इसमें क्या है कि जिस समय ये वर्क लिखा गया या स्पेंसर का जो टाइम था, उस समय रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट था वो अपने जोर शोर पे था, रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ था उस समय।
और इसका स्पेंसर पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा रिफॉर्मेशन का, और यही प्रभाव हमें फेयरी क्वीन में भी देखने को मिलता है। जो स्पेंसर थे वो रिफॉर्म्ड जो चर्च थे इंग्लैंड के उसके वो फेवर में थे, और कैथलिक चर्च जो थे उसके अगेंस्ट में थे। इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, ट्यूडोर डायनेस्टी पे किस तरीके से वो पूरी फैमिली लाइन हुई और किस तरीके से रिफॉर्मेशन शुरू हुआ, रिफॉर्मेशन मूवमेंट क्या था, ये पूरा ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। और अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बस आप ये समझ लो कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट से प्रभावित था स्पेंसर का फेयरी क्वीन। और हम कैसे इस तरीके की एलेगरी हम डिटेक्ट कर पाएंगे वो आप देखें। सबसे पहले अगर रेड क्रॉस की बात करें, तो जब रिलीजियस स्पिरिचुअल एलेगरी मिलके आएगी, मॉरल स्पिरिचुअल और रिलीजियस एलेगरी जब मिलके आएगी, तो जो रेड क्रॉस का जो कैरेक्टर है, नाइट का कैरेक्टर है, वो रोमन चर्च जो रिफॉर्म्ड सॉरी नॉट रोमन चर्च रिफॉर्म्ड चर्च ऑफ इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करेगा। पेरेंट्स ऑफ ऊना जो हैं वो ह्यूमन रेस या ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ड्रैगन जो कि ऊना के पेरेंट्स को इम्प्रिजन करके रखा है, वो पोप ऑफ रोम को रिप्रेजेंट करेगा। पोप ऑफ रोम को क्यों रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि उस समय जो आ, आ, रोम के जो चर्च थे उनका प्रभुत्व ज़्यादा था, और वो लोगों को मतलब रिचुअल्स में उलझा के और ईश्वर से दूर रखने का प्रयास कर रहे थे। तो उसमें ये था कि वो काफ़ी उनका वर्चस्व था, और वो पाप के नाम पे, पुण्य के नाम पे बाइबल पढ़ना अलाउड नहीं है, इस तरीके के काफ़ी सारे रूल्स थे। तो वही चीज़ दिखाया है कि जो ह्यूमैनिटी है वो किसके गिरफ्त में है, किसके कैद में है। वो रोमन पोप जो चर्च थे उस समय उसके गिरफ्त में थी पूरी पूरी ह्यूमैनिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरी ह्यूमन रेस पे चर्च का आधिपत्य था। अब ये देखा जाए जो मॉन्स्टर एरर है, जब ऊना और रेड क्रॉस जर्नी में होते हैं, तो एक जगह ये इंसिडेंट आता है कि तूफान आ जाता है, और उस तूफान से बचते बचते वो एक गुफा की तरफ पहुंच जाते हैं। चूंकि उसको ऊना वहाँ अंदर जाने से रोकती है, लेकिन रेड क्रॉस अंदर जाता है और फिर वो एक मॉन्स्टर से उसकी लड़ाई होती है। तो उसी चीज़ को यहाँ है, उस पर्टिकुलर मॉन्स्टर का नाम मॉन्स्टर एरर था, और ये जो मॉन्स्टर एरर है ये रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन बीइंग की गलतियाँ, इंसानों की गलती, कि किस तरीके से एक इंसान अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ कर देता है और फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस तरीके से मॉन्स्टर एरर जो है वो गलतियों को रिप्रेजेंट करता है, मनुष्य की गलतियों का, ह्यूमन बीइंग की गलतियों का। फिर जो फाइट होती है रेड क्रॉस और मॉन्स्टर एरर के बीच में, वो पर्टिकुलर जो फाइट है वो प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक के बीच की फ़ाइट को रिप्रेजेंट करता है, कि किस तरीके से दोनों जो है, यहाँ पे रेड क्रॉस प्रोटेस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आते हैं, एंड मॉन्स्टर जो है एरर वो कैथलिक को रिप्रेजेंट करते हुए आता है। तो ये चीज़ें, उनकी जो बीच का टसल है वो प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक टसल को दिखाता है। और फिर एक उसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो मॉन्स्टर एरर के की जो उसका सीन जब आप देखोगे, पढ़ोगे उसको, तो उसमें एक जगह दिखाया है कि वो वॉमिट करता है बुक्स एंड पेपर्स, मॉन्स्टर एरर। तो वो जो बुक्स एंड पेपर वॉमिट है वो एक्चुअली पैम्पलेट्स हैं जो कि क्वीन एलिजाबेथ के खिलाफ रोमन कैथोलिक्स ने निकाला था, पैम्पलेट अगेंस्ट कैथोलिक, मतलब क्वीन एलिजाबेथ। तो ये चीज़ जो बुक एंड पेपर्स वॉमिट है वो पैम्पलेट्स दिखाता है जो रोमन कैथोलिक ने निकाला था क्वीन एलिजाबेथ के ख़िलाफ़। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर तीसरा जो एलेगरी निकल के आता है इस पर्टिकुलर पूरे वर्क में, वो है मॉरल रिलीजियस एलेगरी ब्लेंड विद पॉलिटिकल एंड पर्सनल एलेगरी। तो इसमें जब ये इस तरीके की एलेगरी जब आप डील करोगे, इस तरीके की एलेगरी को जब आप पढ़ोगे, तो ये इसमें जो है रेड क्रॉस नाइट आपको सेंट जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड की तरह से नज़र आएंगे। फिर लॉर्ड जो लीचेस्टर हैं वो प्रिंस आर्थर के रूप में नज़र आएंगे। देन लेडी ऊना का जो कैरेक्टर है वो नेशनल चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड ट्रूथनेस को रिप्रेजेंट करती हुई नज़र आएंगी। ऊना के जो पेरेंट्स हैं वो पीपल ऑफ इंग्लैंड को दिखाते हैं, जो उस समय रोमन कैथलिक चर्च के अंडर थे और वो उन्हीं के बताए हुए नियमों के अनुसार अपनी ज़िंदगी जीते थे, तो वो था। फिर ड्रैगन जो है वो रोमन कैथलिक चर्च को रिप्रेजेंट करता है। मॉन्स्टर एरर जो है वो ईविल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। देन आर्किमेगो फिलिप
फिलिप टू ऑफ स्पेन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फिलिप टू ऑफ स्पेन ने रोमन कैथोलिक को एज ए उनका काफ़ी विश्वास था उसमें, और रोमन कैथोलिक को प्रोपोगेट करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया था। तो जो आर्किमैगो है वो फिलिप टू को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसा कहा जाता है कि उस समय इंग्लैंड पे उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा दबाव बनाया था, कोशिश किया था कि जो रोमन कैथोलिक जो चर्च है उसको सपोर्ट मिले बाहर से। तो अब जुएसा का जो कैरेक्टर है वो क्वीन मैरी, जिसको कि ब्लडी मैरी भी कहा जाता है, उनका कैरेक्टर है, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट बहुत ही हार्श रवैया अपनाया। उन्होंने कई सौ प्रोटेस्टेंट्स को मरवा दिया था, शायद इसी यही रीज़न था कि उनका नाम ब्लडी मैरी रखा गया था। और वो बाई फेथ रोमन कैथोलिक थी और उनका कैथोलिक चर्च पे बहुत विश्वास था, तो इस वजह से ये जो जुएसा का कैरेक्टर है, ये जब रिलीजियस एलेगरी और पॉलिटिकल एलेगरी मिल के सामने आएगी तब आपको जुएसा का कैरेक्टर एज ए क्वीन मैरी नज़र आएंगी। तो ये चीज़ें तो आपकी तीन मेजर एलेगरी हो गई। अब अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो इंटायर कैरेक्टर्स जो पूरे बुक में यूज़ हुए हैं वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर जुएसा का कैरेक्टर देखें तो जुएसा का जो कैरेक्टर है वो फॉल्सहुड को रिप्रेजेंट करता है, गलती को रिप्रेजेंट करता है, बुराई को, गलत रास्ते को रिप्रेजेंट करता है। देन सेंसफॉय का जो कैरेक्टर है वो फेथलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से इंसान जब ईश्वर से दूर होता है तो उसका कैरेक्टर है वो। फिर जो सेंस लॉय है वो लॉलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है, कि आपका ईश्वर में के कानून में या किसी भी तरीके के नियम कानून में आपका विश्वास नहीं है, तो वो जो है सेंस लॉय है। फिर नाइट जो है रेड क्रॉस नाइट की अगर हम बात करें तो रेड क्रॉस जो नाइट है वो जब जुएसा को रेड क्रॉस नाइट एज़ यूजुअल होलीनेस जैसा मैंने आपको पहले बताया रिप्रेजेंट करता है, और जब जुएसा उसको लेके जाती है ल्यूसीफेरा के पैलेस में तो वो पर्टिकुलर जो सीन है उससे आपको ये पता चलता है कि वो ये शो कर रहा है, वो ये इसके पीछे एलेगोरिकल मीनिंग ये है कि किस तरीके से जब आप बुरी संगत में होते हो या बुराई के साथ होते हो तो आपके पास घमंड भी एक होता है, और घमंड ऐसा बोला जाता है प्राइड को कि वो सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है, वो क्रिश्चियन रिलीजन में सबसे बड़ा गुनाह माना है, क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न है कि जब ल्यूसिफर जो कि हेल फॉलन एंजल है, हेल का जो मेजर कहा जाए हेल का राजा नरक का राजा, तो उसका रीज़न गिरने मतलब उसका रीज़न स्वर्ग से बाहर निकलने का यही था कि वो बहुत ही घमंडी था, और ईश्वर ने उसको इसी पर्टिकुलर अवगुण की वजह से उसको निकाला गया था, प्राइड की वजह से। तो इसलिए प्राइड को बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता है, घमंड बहुत ही बुरी चीज़ होती है। तो यही चीज़ इसमें पर्टिकुलर बता रहा है कि जब होलीनेस मतलब एक इंडिविजुअल एक अच्छा आदमी जब गलत रास्ते पे निकलता है तो सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर आपको नज़र आएगी एज ए बुराई तो वो आपको प्राइड नज़र आएगी, वो आपको घमंड नज़र आएगा। तो अगर कोई इंसान घमंड उसके अंदर दिख रहा है तो आप समझ लो कि अभी वो गलत रास्ते पे है, वो अच्छाई के रास्ते पे नहीं है, क्योंकि अगर वो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे होगा तो उसको उसके अंदर घमंड आएगा ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं। फिर सेट्रेन की अगर हम बात करें तो सेट्रेन का जो कैरेक्टर है वो गुडनेस ऑफ नेचर एंड नेचर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, कि और वो जैसे ही वो सेंसलॉय से बचाता है ऊना को तो वो रिप्रेजेंट करता है कि वो किस तरीके से जो नेचर फोर्स है नेचर जो है वो हमेशा सच का ही साथ देगी, चाहे उसके लिए वो किसी भी हद तक उसको जाना पड़े। तो ये नेचर का जो सेट्रेन है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर ड्वार्फ का कैरेक्टर देखें तो वो आपका इंटेलेक्ट रिप्रेजेंट करता है, इंसानी बुद्धि, जो इंसान का अपना विवेक होता है, अपनी बुद्धि होती है, अपना लॉजिक होता है, वो पर्टिकुलर जो है वो ड्वार्फ का कैरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब क्वीन ग्लोरियाना की बात करें और फेयरी क्वीन की अगर बात करें तो इसको क्वीन एलिजाबेथ कहा गया है, कि एलिजाबेथ का कैरेक्टर है। अब यहाँ पे कैम्बेल है, कैम्बेल जो है वो फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करती है करता है। और फिर कैलिडोर की बात करें तो नाइट ऑफ कर्टसी की का रिप्रेजेंटेशन है। देन एमोर्टे, देन वर्च्यू ऑफ मैरिड लव। फिर ग्वियन का कैरेक्टर जो है टेम्परस है। फिर आर्टिगाल का कैरेक्टर जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से ये सारे कैरेक्टर्स हैं। और गिलो गिलोक
का जो कैरेक्टर है वो प्राइड को रिप्रेजेंट करता है, पायरोक्लिस का कैरेक्टर इमोशनल मेलेडीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो देन केलिया का कैरेक्टर होलीनेस को रिप्रेजेंट करता है, और तो इसी तरीके से रेस्ट जो है वो कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, और ये सारे कैरेक्टर हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैंने एक जगह कर दिया है। बाकी और भी मैंने जो फेरी क्वीन जब मैंने समराइज़ किया था तो मेजर मेजर कैरेक्टर किस चीज़ को रिप्रेजेंट किए करते हैं उसको मैंने वहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, तो आप उस जो रह गए हैं कैरेक्टर वो आप उसमें वहाँ से कवर कर लीजिएगा। अब लिटरल मीनिंग, जो बुक वन में जो लिटरल मीनिंग है कि कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसको देख लेते हैं। जब रेड क्रॉस नाइट अपनी जर्नी शुरू करता है ऊना और ड्वार्फ के साथ, तो वो चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है? उसका ये मतलब हुआ कि एक इंडिविजुअल अच्छा आदमी, एक इंडिविजुअल जब अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए आगे बढ़ता है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ जब शुरू होती है तो उसके साथ दो ही चीज़ होती है स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, एक तो सच्चाई और दूसरा उसका अपना विवेक और अपनी बुद्धि। कहते हैं ना विवेक और बुद्धि आपके अगर साथ है तो आप दिक्कत में नहीं पड़ोगे, तो वो विवेक, वो बुद्धि और आपकी सच्चाई जो ट्रूथ है वो, वही आपकी लाइफ की जर्नी जब शुरू होती है तो आपके साथ एज ए कैंपेनियन शुरू करते हैं। फिर जो दूसरा इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट, जब वो सीकिंग शेल्टर फ्रॉम द स्टॉर्म, रेड क्रॉस नाइट वंडर्स इनटू द डेन ऑफ द मॉन्स्टर एरर, रेड क्रॉस डिफीटेड हिम विद द हेल्प ऑफ ऊना एंड कंटिन्यू ऑन हिज पाथ। ये पर्टिकुलर इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आपके सामने एक मुश्किल घड़ी आती है, ठीक, ज़िंदगी के सफ़र में जब आपको मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ता है तो जो एक इंसान होता है वो अक्सर गलती करता है, ठीक, गलत रास्ते पे निकल जाएगा, कुछ गलती कर देगा, लेकिन उस वक्त अगर आप अपने दिल की बात सुनो, अपने अपने विवेक की बात सुनो, अपने दिल की बात सुनो, जो ईश्वर का रास्ता है उस पर अगर ज़रा ध्यान दो तो आप उस गलती से उभर सकते हो, आप उस गलती को अवॉइड करके आगे बढ़ सकते हो, नेकी के रास्ते पे आगे अपनी लाइफ की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। फिर है रेड क्रॉस नाइट इज़ डिसीव्ड बाई आर्किमैगो इंटू थिंकिंग दैट ऊना इज़ अ लूज वुमेन, सो रेड क्रॉस नाइट अबंडन्स ऊना एंड गाइड बाई हिज विल एंड ग्रीफ कंटिन्यू हिज जर्नी अलोन। अब ये देखिए, यहाँ ये बता रहा है कि जब एक इंसान, कैसे रेड क्रॉस नाइट को आर्किमैगो डिसीव करता है और बताता है कि ऊना जो है वो लूज़ कैरेक्टर वुमेन है, और इससे जो है गुस्सा होके जो नाइट है वो अकेले ही अपने जर्नी पे निकल पड़ता है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या है एज ए होल, कि जब इंडिविजुअल जो है हिपोक्रेसी के हाथों मजबूर होके, मतलब हिपोक्रेसी से ग्रस्त होके, जब वो अपने विवेक का काम नहीं लेता, दिमाग से काम नहीं लेता, सच्चाई की तरफ वो उसका रुझान नहीं होता, तब वो उससे धोखा खा के सच्चाई के रास्ते से भटक जाता है और वो अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो दुख भरे रास्ते पे निकल पड़ता है आगे की तरफ जर्नी, मतलब वो डेविएट हो जाता है, वो भटक जाता है हिपोक्रेसी के आने से लाइफ में। फिर विदाउट ऊना रेड क्रॉस इनकाउंटर्स सेंस फॉय एंड रेड क्रॉस नाइट बैटल सेंस फॉय एंड किल हिम। अब अगर आपके साथ सच्चाई नहीं है, नेकी नहीं है, ईश्वर का पे विश्वास नहीं है, तो उसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप ईश्वर के प्रति अपना फेथ जो है वो लूज़ करने लगते हैं, विश्वास आप अपना खोने लगते हैं, और इसमें इसके लिए फिर आपका इंटेलेक्ट और आपकी अंतरात्मा जब तक आपका साथ नहीं देगी तब तक, और जब तक आप उस फेथलेसनेस से लड़ोगे नहीं, मतलब अपने उस पर्टिकुलर अवगुण से लड़ोगे नहीं कि ईश्वर के लिए जब तक आप खुद खड़े नहीं होगे तब तक आप, कि ईश्वर पे मेरा विश्वास है और वो विश्वास मेरा अटल है, ये जब तक आप नहीं कहोगे और उस अविश्वास से जब तक आप नहीं लड़ोगे तब तक आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके दिमाग में डाउट हो रहा है तो आपको उससे, उस पर्टिकुलर डाउट से लड़ना ज़रूरी है, ये कहते हुए कि नहीं, जिस पे मेरा विश्वास है वो अटल विश्वास
विश्वास है, उससे नहीं मैं हट सकता। तो उसको कहने के लिए उस पर्टिकुलर चीज़ से लड़ना ज़रूरी है। तो ये चीज़ ही ये डिनोट करता है। फिर विदाउट ऊना रेड क्रॉस नाइट मीट ड्यूएसा एंड इज़ अट्रैक्टेड टू हर एंड कंटिन्यू हिज जर्नी विद ड्यूएसा एज अ कंपेनियन। अब इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जैसे रेड क्रॉस नाइट अब ऊना से हट जाता है, अलग हो जाता है, अकेले ही अपनी जर्नी शुरू करता है, तो वो ड्यूएसा से मिलता है। ड्यूएसा से मिलने के बाद उसको लगता है कि ये मेरी कंपेनियन है, ये मेरे साथ पूरी लाइफ रहेगी, और उससे प्यार हो जाता है रेड क्रॉस नाइट को, और वो अपनी जर्नी ड्यूएसा के साथ शुरू करता है। तो ये जो इंसिडेंट है ये शो कर रहा है कि जब आपके साथ सच्चाई नहीं है, नेकी के रास्ते पर आप नहीं हो, आप भटक चुके हो, उस समय क्या होता है कि बुराई, गलत चीज़ें, झूठ, ये सारी चीज़ें आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और फिर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, सच्ची लगती हैं। ठीक, बुराई बहुत खूबसूरत होती है। तो वही चीज़ इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इंसान अपने नेकी के रास्ते से, सच्चाई के रास्ते से, ईश्वर के रास्ते से भटक जाता है, तो जितनी भी बुराइयाँ होती हैं वो उसको बहुत अच्छी लगती हैं, और फिर उसको लगता है कि ये पूरी ज़िंदगी मेरी जो है वो ऐसे ही बीतेगी। तो कहा जाता है ना कि जो सच होता है उसका रास्ता बहुत कठिन होता है, गलत रास्ते बहुत आसान होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो गलत रास्ता आपको बहुत आसान लगेगा और लगेगा कि अरे वाह, यहाँ से तो मंजिल हम बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसको यही चीज़ यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ड्यूएसा लेट द रेड क्रॉस नाइट इन टू द हाउस ऑफ प्राइड वेयर नाइट इज इंटरटेन बाई द प्रोजेशन ऑफ 7 डेडली सिन। अब इसमें ये है कि आपने गलत रास्ता तो चुन लिया जो कि देखने में आपको बहुत आसान लग रहा था, तो उस गलत रास्ते पे आप विश्वास के साथ नहीं हो, आप ट्रूथ के साथ नहीं हो, सच्चाई के साथ नहीं हो, नेकी के साथ नहीं हो, और आप एक गलत रास्ते पे निकल पड़े हो। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान जो है वो बहुत ही घमंडी हो जाता है, प्राउड में आ जाता है, उसको लगता है कि सारी दुनिया उसके हिसाब से चल रही है, और फिर वो मतलब खुशी पाने के चक्कर में, अपनी ज़िंदगी को खुश करने के चक्कर में, अपनी जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के चक्कर में वो बहुत सारे पाप करता है। तो यही सारी चीज़ें ये इसमें पर्टिकुलर दिखा रहा है कि किस तरीके से एक इंसान अपनी ज़िंदगी के सफ़र में, जो कि शुरुआत में एक अच्छाई और सच्चाई के साथ, मतलब जब बच्चे होते हैं आप, जब एक पूरी लाइफ स्टोरी है दिस इज़, कि जब एक इंडिविजुअल पैदा होता है तो वो सच्चा होता है, कहते हैं ना ईश्वर, बच्चे जो हैं ईश्वर का रूप होते हैं, तो वो सच्चाई से आपने जर्नी शुरू की, लेकिन बीच में आप डेविएट हो गए, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आप चीज़ों से हटते चले जाते हो, आपके अंदर बुराइयाँ चली आती हैं। तो यही चीज़ यहाँ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें यही वो बात बोलते हैं कि आप खुशी के लिए, अपने सुख के लिए, अपने अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए आप बहुत सारे पाप करते हो, और वो जो 7 डेडली सिन का प्रोसेशन है वो यही चीज़ यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है। वाइल इन द हाउस ऑफ प्राइड रेड क्रॉस नाइट इज चैलेंज्ड बाय टू फाइट अ सेंस, ये जॉय नहीं है, सेंस लॉय है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी, दिस इज सेंस लॉय। तो वो सेंस लॉय से स्ट्रगल करता है, और वो नाइट जो है चैलेंज करता है सेंस लॉय उससे लड़ने के लिए। और क्यों सेंस लॉय चैलेंज करता है, क्योंकि सेंस लॉय जो है वो सेंस फॉय का भाई होता है, और सेंस फॉय को मार देता है नाइट, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये उसका भाई है सेंस लॉय, इट इज़ नॉट सेंस जॉय, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, स्पेलिंग सेंस लॉय है। तो ये स्ट्रगल के लिए चैलेंज करता है, और नाइट उससे स्ट्रगल करता है, ठीक है, प्राइड, हाउस ऑफ प्राइड में ही। तो ये बता रहा है कि जब इंडिविजुअल इंसान गलत रास्ते पे निकल गया, और वो खुशी के चक्कर में, खुशी पाने के चक्कर में कई सारे गलत काम कर दिए, पाप कर दिए, तो उसको दुख होता है, ठीक, और फिर वो उस दुख से लड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने नियमों को तोड़े हैं, तोड़ दिया है ना, उसके लिए कोई नियम मायने नहीं रखते अब, क्या अच्छाई है, किस काम को आप करोगे तो आपसे ईश्वर खुश होगा, ये सारे नियम उसके लिए अब एग्जिस्ट नहीं करते। तो उसको उस पर्टिकुलर इनडिसिप्लिन से लड़ना होगा ना, मतलब इंसान को, तभी तो वो उससे उभर पाएगा। और जब वो अपने नियम तोड़ता है, अपने कानून तोड़ता है, तो उसको दुख होता है, और जब उसको दुख का सामना करना पड़ता है तो उसका इंटेलेक्ट काम करता है और कहता है कि यार ये तो तुमने गलत कर दिया, अब तो यू हैव टू डू इट, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ वो दिखा रहा है कि जब वो दुखी होता है इंसान, तब उसको समझ में आता है, और फिर वो चैलेंज करता है उस चीज़ को कि नहीं, ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ करने से मेरे को नुकसान हो रहा है। तो अब आगे चलते हैं, फिर इसमें दिखाया है कि
फिर यहाँ देखिए सेंस जॉय हो गया, दिस इज सेंस लॉय। तो इसमें फिर ये होता है कि सेंस लॉय से जब ये लड़ाई होती है रेड क्रॉस की, तो वो लड़ाई के बाद वो हाउस ऑफ प्राइड छोड़ देता है, क्योंकि ड्वार्फ उसको ऐसा करने से कहता है, क्योंकि जब वो तहखाने में देखते हैं वहाँ कई सारे ह्यूमंस की बॉडी पड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब उसको दुख का सामना करना पड़ता है, उसको तकलीफ़ होती है अपनी ज़िंदगी में और कई सारी बुराइयों से वो घिर गया होता है, तो उसका इंटेलेक्ट उसके साथ हमेशा होता है, क्योंकि चूँकि आपके साथ सच्चाई नहीं रही, लेकिन अभी भी आपका विवेक आपके साथ है, आपका आपकी सोच आपके साथ है, आपकी जो इंटेलेक्ट है, लॉजिक है, वो आपके साथ है। तो वो आपको हेल्प करती है ये रियलाइज़ कराने में कि किस तरीके से तुम जब तक ये सारी बुराइयों को छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम अपनी ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि आपके लाइफ का जो लास्ट पड़ाव होता है ना, वो उस चीज़ को दिखाता है कि आपने अपने यंग एज में, अपने एडल्टसन में आपने बहुत सारी चीज़ें की ऐसी, फिर लेकिन जब आपके पास समझ आती है, आप जब अपने मैच्योरिटी एज में पहुंचते हो, जब आप मैच्योर होते हो, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, ये तो मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत हो गया। तो यही चीज़ है, इसी तरह यही एलेगरी है पूरी पूरी। तो अब यहाँ पे फिर लेकिन अब चूंकि क्या है कि ये निकल तो आते हैं प्राइड, हाउस ऑफ प्राइड से, ल्यूसिफेरा के पैलेस से निकल आते हैं, और वो आके एक नदी, एक फाउंटेन के पास, क्योंकि वो बहुत ज़ख्मी रहता है रेड क्रॉस, और वहीं एक फाउंटेन के पास वो आके लेटता है, और वहाँ उससे ड्यूएसा फिर मिलती है। तो यही चीज़ उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का क्या मतलब है, एलेगोरिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि चूँकि आपने सारी वो दुनियावी चीज़ें छोड़ दी, पाप करना छोड़ दिया, आपने प्राइड भी छोड़ दिया, घमंड भी छोड़ दिया, लेकिन अभी भी आप नेकी के रास्ते पर नहीं हो। ठीक, अभी भी आप अकेले हो, अभी तो आपने वो सारी चीज़ें छोड़ के आए हैं। ठीक, तो फिर भी पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि गलत रास्ते पे आप निकल जाएं, जब तक आप ईश्वर के रास्ते पे नहीं चल जाते, मतलब जब तक आप वाकई ईश्वर को अपना गुरु ना मान के उसके रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे जब तक नहीं निकलेंगे, तो आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो यही चीज़ें इसमें ये बता रहा है। फिर वो किस तरीके से वो पानी जो पीता है उससे वो कमज़ोर हो जाता है, वो क्या शो कर रहा है कि जब आप गलती के साथ, मतलब आप गलत रास्ते पे होते हो या आप बुरे रास्ते पे होते हो, तो आप दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जाते हो स्पिरिचुअली। ठीक, नॉट फिज़िकली, फिज़िकली तो आप बहुत अट्रैक्टिव रहोगे, स्पिरिचुअली आप बहुत कमज़ोर हो जाते हो, आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा बहुत वीक हो जाती है। और उस समय जब आप बहुत, आपकी आत्मा बहुत वीक हो जाएगी, स्पिरिचुअली आप बहुत वीक हो जाओगे, तो आप बुराई के गुलाम हो जाओगे, आपके ऊपर बुराई हावी हो जाएगी और फिर वो आपको अपने वश में कर लेगी। तो यही चीज़ें इसमें दिखाई गई है। और फिर वो कैसे सेवियर आते हैं, ऊना आती हैं, वो कैसे सेव करते हैं, रेस्ट इज़ स्टोरी। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी। आई होप कि आपको ये एलेगरी समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट रह गया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ गलती भी हो गई हो तो प्लीज़ वो भी आप मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई टू करेक्ट इट, एंड टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।